हाय एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे घरों में जो गैस चूल्हा चलता है, चाहे वो डबल बर्नर हो या थ्री बर्नर हो, उसमें जो हमारा गैस वाल्व होता है उसको हम काग भी बोलते हैं, वो जब ख़राब हो जाता है, बटन के पास से लीकेज बताता है, आग पकड़ लेता है, तो हम गैस वाल्व को चेंज करते हैं। जब हमारा काग लीक हो जाता है, आगे से भी जेट के पास से भी लीकेज हो जाता है, तब भी हम उसको नया लगाते हैं। तो हम गैस वाल्व को, एलपीजी गैस वाल्व को गैस चूल्हे में कैसे लगाएंगे, उन्हें मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत से हमारे मिस्त्री भाई हैं जो इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको गैस वाल्व अथवा कह लीजिए काग को लगाकर आपको दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये गैस चूल्हे का ये सप्लाई पाइप है, मेन पाइप जिसको आप कह सकते हैं, ये रहा। ये टू बर्नर का है, यहाँ पर ये हमारा एलपीजी वाल्व लगता है। यहाँ इसको कैसे हम नया लगाते हैं जब हमारा पुराना लीकेज हो जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं, इसी को एलपीजी वाल्व कहते हैं, इसी को काग भी बोलते हैं। तो यही है फ्रेंड्स, यहाँ बटन लगता है, ये हमारा गैस कंट्रोलर है, इसी से धीमा और तेज होता है, इसी से हमारी सप्लाई बनती है, ये यहाँ पे लगता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं एलपीजी गैस वाल्व, यहाँ पे ये फिगर में ये दिख रहा है, चूल्हे में हमारे लगता है। इसको मैं, यदि आप दुकानदार हैं या इस फील्ड में नया दुकान ओपन करने वाले हैं, यदि आपके पास कस्टमर चूल्हा लेके आता है और कस्टमर का ये ख़राब हो चुका है, यहाँ पीछे से गैस फेंकता है, यहाँ बटन के पास आग लग जाती है, यहाँ से भी लीकेज किसी किसी में बताता है, तो हमें इसको नया ही लगाना पड़ता है, ये रिपेयरेबल नहीं होता फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया गैस चूल्हे पर। ये हमारा एलपीजी गैस स्टोव है, टू बर्नर का है। तो इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड्स, मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है और कस्टमर बताते हैं यहाँ से हमारा आग पकड़ रहा है, यहाँ बटन के पास से यहाँ आग जलने लगती है, या कस्टमर बता रहे हैं इसको बंद करने के बाद भी यहाँ अंदर नीचे आग जलती रहती है, तो इस कंडीशन में हमें इस एलपीजी गैस वाल्व को चेंज करना पड़ता है, काग को चेंज करना पड़ता है, ये इस चीज़ को, ये ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, तभी यहाँ से आग पकड़ता है, बैक मारता है, और यहाँ से भी आगे से भी कभी कभी लीकेज की संभावना बनती है। तो दोनों कंडीशन में इसको हम चेंज करते हैं। तो इसको हम किस तरह से लगाते हैं, चलिए मैं इस वीडियो में उसको दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, चूल्हे का ये पार्ट्स मैं हटा लेता हूँ, ये हमारा पैन सपोर्ट है, ये बर्नर है, एक कास्ट आयरन का है। तो काग को लगाने के लिए फ्रेंड्स, इस चूल्हे को बिल्कुल खोलना पड़ेगा, बिल्कुल ही ओपन करना पड़ेगा, एक एक पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, ये मिक्सिंग ट्यूब निकालना पड़ेगा, बटन निकालना पड़ेगा, ये पूरी पाइप ये खोलकर यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब हम इसको लगा पाएंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बड़े वाला देख रहे हैं आप, बड़ा वाला ये लीकेज है, यहाँ से ये लीकेज है, इसको मैं आपको बदल कर दिखाऊंगा। यदि आपका दोनों लीकेज है तो दोनों कैसे न्यू लगाएंगे, उसको भी मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस मिक्सिंग ट्यूब को खोल लेता हूँ, मैंने पानी की मदद से या प्लायर की मदद से आप इसको खोल लीजिए।
ये हमारा बड़ा वाला हो गया। छोटे वाले को हम ओपन कर लेते हैं। छोटे वाले को भी मैंने खोल लिया है, देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा वाला मिक्सिंग ट्यूब है। साइड में रख दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इस गैस की सप्लाई पाइप को, पाइपलाइन को, इस पाइपलाइन को फ्रेंड्स निकालने के लिए यहाँ से खोलना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले बटन को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से पेचकस की मदद लेंगे और ये यूसेबल बटन है, इस तरह से इसमें स्क्रू नहीं लगा होता है, दबा देते हैं तो ये बैठ जाता है। सबसे पहले हम दोनों बटन को निकाल लेंगे। आराम से धीरे धीरे इस तरह से दोनों तरफ से निकालेंगे। तब भी टूट गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, दूसरा लगा देंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे पार्ट अलग कर दिए। अब यहाँ से देख रहे हैं आप, दो स्क्रू लगा होता है इधर, दो स्क्रू इधर, इन चारों को हमें ओपन कर लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं चारों को ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जिन भाइयों को काम सीखना है, वो गैस चूल्हे लाइन का दुकान करना चाहते हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखें और इस काम को सीखें। चूल्हे का गैस वाल्व धीरे धीरे खराब हो जाता है, जब पुराना हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको खोल लिया है, एक स्क्रू और बाकी है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया फ्रेंड्स। ये चार स्क्रू हैं फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े यहाँ लगते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये हमारा दोस्तों देख रहे हैं, ये मेन पाइप है सप्लाई पाइप गैस की, इसमें दोनों ये एलपीजी वाल्व बैठे हुए हैं। ये बड़ा वाला हमारा लीकेज है, यहाँ से यहाँ बटन के पास से आग पकड़ता है, इसको हमें नया लगाना है। तो चूल्हे के बॉडी को मैं साइड कर देता हूँ। तो ये हमारा खुल के हमारे हाथ में आ गया फ्रेंड्स। तो इसको जो है बड़े वाले को बदलना है हमको, ये नया लगाना है। लीकेज है तो रिपेयर नहीं होता, ये नया लगाएंगे। तो नया लगाने के लिए दोस्तों किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको आप देख लीजिए। ये इसमें कुछ वार्सल लगते हैं एल्यूमिनियम के, देख रहे हैं, इस तरह से पैकेट आता है, इस तरह से पैकेट आता है। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े एल्यूमिनियम के पतले वार्सल हैं, ये मोटे भी आते हैं काफ़ी और पतले भी आते हैं। ये पतला वाला है, पतला वाला भी रखिए, मोटा वाला भी रखिए, एक मोटा और एक दो पतला लगा के सेट हो जाता है। और आप सिर्फ पतले वाले से ही सेट कर सकते हैं, एक पे नहीं होगा तो दो पे होगा, तीन पे होगा, चार पे होगा, हो जाएगा, तीन चार तक हो जाता है, तीन चार वार्सल लगा के एल्यूमिनियम का यहाँ लगता है। ये यहाँ पर अभी मैं आपको लगा के दिखाऊँगा, ये वार्सल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका ये न्यू जेट है 77 नंबर, 77 नंबर। और फ्रेंड्स, उसके साथ ये टेफ्लॉन टेप लगता है, ये हमारा यहाँ से इसको लीक प्रूफ बनाता है। यहाँ से चूड़ी पर हम लगाते हैं, इसके चूड़ी पर हम यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा लीक प्रूफ बनेगा, यहाँ से गैस का रिसाव जरा सा भी नहीं होगा। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप यही जो एल्युमिनियम का वार्सल लगा के आप नहीं फिट कर सकते, यहाँ से गैस का रिसाव होता रहेगा हल्का हल्का और स्मेल आएगी। तो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप बने रहिए लास्ट तक। तो
क्या करना है फ्रेंड्स, इस बड़े वाले को चेंज करना है। तो बड़े वाले को खोलने के लिए इस तरह का पाना लीजिए, एडजस्टेबल पाना, और पहले ऑब्जेक्ट को खोल सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं तब भी चलेगा। ऑब्जेक्ट को निकाल लिया मैंने। अब फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगा के देख रहे हैं, इस तरह से मैंने इसको फंसाया है, इस तरह से लगा के इसको एंटी क्लॉकवाइज ये खुलेगा। देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया है, ये खुल रहा है बिल्कुल आसान तरीके से। अब हाथ से ही खुल जाएगा, इसको आप हटा दीजिए। देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, क्लॉकवाइज बंद होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये खुल गया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से। देख रहे हैं इस तरह से बैठा हुआ था, इसमें वार्सल लगा था, कंपनी का लगा था ये, और इसमें कुछ लगा के इसको ये लीक प्रूफ बनाए थे। तो ये खुल गया फ्रेंड्स, ये हमारा ख़राब हो चुका है। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा दोनों जो है लीक हो जाता है, ये भी लीक हो जाता है, ये भी लीक हो जाता है, तो आपको पुराने वाले दोनों को एक साथ नहीं खोलना है, एक साथ नहीं खोलना है, एक ही पहले खोलना है। अगर दोनों एक साथ खोल लेंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, जब आप कसेंगे या इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये पाइप का सिरा जो है बदल जाएगा, इधर वाला सिरा इधर हो जाएगा, इधर पाइप वाला सिरा इधर हो सकता है। इसलिए यदि आपका ये दोनों बदलना है तो पहले आप एक को पुराने को खोल कर ये नया फिट कर लीजिए। जैसे जिस दिशा में ये लगा हुआ है, इधर का बाएं तरफ आप देख रहे हैं, इसी दिशा में इसको फिट कर लीजिए। पहले एक लगा लीजिए, उसके बाद इसको खोल के अब इसकी सहायता से दिशा हमको मालूम हो जाएगा किस तरफ इसका मुंह है, तो दूसरे को लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों ख़राब है तब, एक ही ख़राब है तो कोई बात नहीं, एक ही को हम बदल लेते हैं। ये दिशा बता रहा है इसका मुँह किधर है वाल्व का, तो इसी तरफ इसको भी सेट करेंगे बिल्कुल सीधे में इस तरह से। तो यही ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। इसके चूड़ी को साफ़ कर लीजिए कपड़े की मदद से इस तरह से, और पाइप में रस्ट वगैरह इसको आप निकाल सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। रस्ट वगैरह निकालने के बाद ये चूड़ी क्लीन हो जाएगी। पहले हमें इस पे एक वार्सल लगा के देखते हैं कहाँ पहुँचता है। मैंने ये एल्युमिनियम का एक वार्सल लगा दिया है, तो इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से देखिए हाथ से ही। पहले इसका दिशा, इसके मुंह का दिशा, वाल्व के मुंह का दिशा कहाँ जाता है, हमको इस दिशा में रखना है। एक वार्सल मैंने लगा दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, ये मुंह इसका यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब इस पर हम और वार्सल लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, एक लगाने के बाद फिर दूसरा लगाएंगे। ये लगाने का सबसे आसान तरीका है, एक लगा हुआ था, एक मैंने और लगा दिया है, दो हो गया। अब इसको भी टाइट करके देखते हैं इस तरह से कहाँ पहुँचता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीध में हो गया, लेकिन लूज है, ये टाइट नहीं है। इसका मतलब है हम एक वार्सल और लगा देंगे तो आराम से यहाँ आएगा, और कसने पर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दो वार्सल लगाने पर बिल्कुल सीध में हो गया इसके, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल लूज है। इसको हम टाइट कैसे करेंगे, इसलिए एक वार्सल को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा, कसने के बाद यहाँ पे टाइट भी हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा, तो एक वार्सल यहाँ और लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस पर एक वार्सल और देंगे, मैंने ये तीसरा वार्सल ले लिया, इस पर लगा दिया। अब इसको टाइट करके देखेंगे, देख रहे हैं मैंने बताया था इस तरह से आएगा। अब ये बिल्कुल, जब हम पाने की मदद लेंगे तो थोड़ा सा रह गया है, ये यहाँ आ जाएगा, इतना टाइट होना चाहिए, इस तरह से इस सीध में हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, कितने वार्सल लगेंगे हमने पता कर लिया इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, इस पर लीक प्रूफ
टेफ्लॉन टेप को लगाएंगे इस वाल्व की चूड़ी पर। ये टेफ्लॉन टेप है, ये इस तरह से कुछ फेरे हम लगा देंगे, 8-10 फेरे, 8-10 चक्कर इस पे लगा देंगे इस तरह से। ये लग गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, तीनों एल्युमिनियम मार्शल को इस पे लगा देना है। मैंने तीनों को लगा दिया है, उसके बाद इस पर टाइट करेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फिट हो गया। अब पानी की मदद से इसको टाइटली हम सीध में कर लेंगे, बिल्कुल एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। थोड़ा सा तिरछा है, देख रहे हैं ये बिल्कुल सीध में आ गया, इस तरह से लग गया। जिस तरह से इसकी दिशा है, इसकी दिशा भी उसी तरह से हो गई। आगे हमको अब इसके जेट को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एलपीजी गैस वाल्व को यहाँ पे लगाते हैं यदि हमारा ख़राब हो जाता है। अभी यहाँ से बिल्कुल लीक नहीं होगा, ये सील हो गया है बिल्कुल। इस तरह से लगाते हैं बहुत आसान तरीके से, जेट को टाइट कर देंगे। अब हमने जैसे चूल्हे को ओपन किया था बिल्कुल वैसे ही इसको क्लोज करना है। चूल्हे की बॉडी ले लेते हैं बिल्कुल जिस तरह से चूल्हे को हमने खोला था, उसी तरह से इसको सेट कर देंगे। ये हमारे स्क्रू हैं, पहले क्या करना है, चारों स्क्रू को लगा लेना है। दो को लगा के टाइट नहीं करना है। जब ये अच्छी तरह से ये सीध में रहेगा तो ये हमारा चूड़ी इस खांचे में आएगा और आराम से बैठ जाएगा। आप देख रहे हैं तुरंत का तुरंत बैठ गया, बिल्कुल सीध में हुआ। अब हम इन सभी स्क्रूओं को टाइट कर देंगे। भी टाइट कर देंगे। ये बिल्कुल टाइट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, बटन को वैसे ही लगा देना है, चौड़ा वाला भाग चौड़े वाले भाग की तरफ करके इस तरह से मिलाकर इसको पुश कर देंगे। लग गया, इसको भी इस तरह से लगा देना है। अभी मैं बाद में इसको नया लगा दूंगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये लग गया। अब ये बड़ा वाला था तो बड़े वाले मिक्सिंग ट्यूब को इधर लगा देते हैं। थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे, हमारा हो गया। इधर छोटा मिक्सिंग ट्यूब है, छोटे वाले को हमने लगा दिया, इसको भी टाइट कर देंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया। तो इस तरह से हम काग को बदलेंगे, एलपीजी गैस वाल्व को बदलेंगे। ये हमारा चूल्हा बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। इसके दोनों टॉप हैं बर्नर और ये पैन सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप यदि ये काग वाल्व लीक हो जाता है आपके चूल्हे में तो इस तरह से इसको बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।